इस कहानी में एक लड़की अपने घर से भागने के बाद एक ऐसे आदमी के घर में फंस जाती है। फिर वो आदमी उसे वहाँ से जाने नहीं देता और उस लड़की के साथ क्या क्या करता है ये हमें आगे पता चलेगा। आज की इस कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जिसमें लड़की का नाम लिली है और लड़के का नाम नील, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भागी थी क्योंकि उसका सौतेला बाप जो होता है वो उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया करता था। फिर अभी दोनों लोग जंगल से होकर जा रहे होते हैं लेकिन वो चलते हुए काफी थक गए थे, इसलिए वहीं जंगल में टेंट लगाने का फैसला करते हैं। फिर लिली अपना फोन निकालती है ताकि वो अपनी मॉम से बात कर सके और उसे बता सके कि वो ठीक है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है अगर तुमने अपने फोन को ऑन किया तो तुम्हारे फादर को तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों टेंट लगाते हैं। जब ये लोग टेंट के अंदर सो रहे होते हैं तब लिली को अपने फादर के बुरे सपने आते हैं जो कि उसे अक्सर आया करते थे। अब इसके बाद जब वो जागती है तब उसे नील कहीं भी नहीं मिलता और बुरी बात ये होती है कि उसका जो फोन था वो भी नील के पास ही था। क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए वो वापस टेंट में सो जाती है। अब अगली सुबह नील को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ती है। वो जंगल में नील को इधर उधर आवाज देकर ढूंढ रही थी। अब इतने में ही उसे एक घर दिखाई देता है और वो घर में हेल्प मांगने के लिए चली जाती है। इस घर में सिर्फ एक अकेला बूढ़ा आदमी रहता था। वो लिली को अंदर आने के लिए कहता है। अब इसके बाद वो लिली को पानी लाकर देता है। अब यहाँ पर लिली कुछ देर तक उस बूढ़े आदमी से बात करती है लेकिन उसे इस जगह पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो बूढ़ा आदमी अब लिली को वहाँ से जाने नहीं देता। वो जबरदस्ती लिली का हाथ पकड़ लेता है और उसे घसीट कर अंदर ले जाने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। यहाँ पर लिली उसकी बातों से काफी ज्यादा डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता आदमी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद ये बूढ़ा आदमी घर के बेसमेंट में ले जाकर उसे धकेल देता है। लिली को बेसमेंट में काफी सारी चीजें दिखाई देती है जहाँ पर उसे एक लड़की के मिसिंग होने की एक न्यूज भी दिखाई देती है। अब अगले दिन वो आदमी लिली को खाना देने के लिए आता है तो लिली उस आदमी से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए कहती है। ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो जवाब में कहता है कि मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दे सकता। यहाँ पर आदमी की ये सारी बातें सुनकर लिली काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो समझ नहीं पाती ये आदमी किस बारे में बात कर रहा था। दरअसल ये आदमी जिसका नाम इवान है पहले इसकी बेटी हुआ करती थी, उसका नाम कैथरीन था। इवान चाहता था उसकी बेटी रनिंग में बहुत आगे बढ़े इसलिए वो उसे प्रैक्टिस में काफी मदद किया करता था। लेकिन एक बार जब इवान की वाइफ यानी कि कैथरीन की मॉम का एक्सीडेंट हो गया तो उससे दुखी होकर उसकी बेटी घर छोड़कर भाग जाती है, जिसके बाद से इवान का दिमाग खराब हो गया था और वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था। और इसीलिए जब उसे लिली दिखाई देती है तब वो उसे कैथरीन यानी कि अपनी बेटी समझ लेता है। लेकिन ये अब तक लिली को पता नहीं था कि ये बूढ़ा आदमी उसे अपनी बेटी समझ रहा है। फिर एक दिन इवान उसके पास एक दरी लेकर आता है और उसे उस पर लेटने को कहता है। वो डर जाती है कि अब इसके बाद क्या होगा लेकिन वो कुछ करता ही नहीं और वो सिर्फ उसकी एक्सरसाइज करवाता है। साथ ही वो उसे कहता है कि उसे रनिंग में एक बार जीतना होगा। वो इस आदमी को एक सन की पागल बूढ़ा समझती है लेकिन वो लिली को अपनी बेटी कैथरीन समझ रहा था, इसलिए उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करता और वो उसे अपने घर में बंद इसलिए रखता है क्योंकि वो डरा हुआ है कहीं वो उसकी बेटी की तरह उसे छोड़कर भाग ना जाए। अब अगले दिन ये दोनों आपस में बैठकर डिनर करते हैं और इसी बीच इन दोनों में काफी सारी बातें होती है। तभी यहाँ पर इवान लिली को कैथरीन कहकर बुलाता है। लिली को थोड़ा समझ में आता है शायद ये आदमी उसे अपनी बेटी समझ रहा है। इवान अपनी बेटी कैथरीन को बहुत प्यार किया करता था लेकिन इस सबसे लिली का कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए वो यहाँ से सिर्फ भागना चाहती थी क्योंकि वो इस आदमी को ठीक से नहीं जानती थी। और वो यहाँ पर लिली से बहुत सारी एक्सरसाइज करवाता है और वो ऐसा इसलिए करवाता है क्योंकि उसकी बेटी कैथरीन भी रनिंग में पार्टिसिपेट करने वाली थी। अब एक दिन लिली को इवान की असली बेटी की डायरी मिलती है जिसमें कैथरीन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी, जिससे उसे कैथरीन के बारे में सभी बातें पता चलना शुरू हो जाती है। जिसमें लिखा हुआ था कि कैथरीन अपने फादर से परेशान होकर यहाँ से भाग गई है क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ काफी सख्त था लेकिन वो उससे प्यार भी उतना ही किया करता था। लेकिन लिली को इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अब एक दिन वो लिली को एक्सरसाइज करा रहा होता है तो वो उसके सर पर एक भारी चीज से हमला कर देती है और जब वो नीचे गिर जाता है तब लिली एक रस्सी से उसे मारना शुरू कर देती है। वो उससे घर से बाहर जाने की चाबी मांगती है लेकिन इवान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सिर्फ डांटते हुए कहता है कि तुम अपने पिता को ऐसे कैसे मार सकती हो, क्योंकि लिली बाहर नहीं निकल पा रही थी इसलिए वो रोने लगती है। अब थोड़ी देर बाद जब लिली खाना खाने के लिए जाती है तब इवान बिना शर्ट के बैठा हुआ था, जहाँ पर लिली की हरकत की वजह से उसके शरीर पर काफी सारे निशान बने हुए थे। लेकिन इवान अभी भी अपनी बेटी से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, पर इसलिए लिली उसे सॉरी बोलती है। अब अगले दिन इवान उसे ग्राउंड में रनिंग के लिए लेकर जाता है जो वो प्रैक्टिस कर रही होती है। तब इस दौरान वो यहाँ से भागने का ट्राई करती है। वो ताले को तोड़कर भागने ही वाली होती है कि इवान पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो अपनी बेटी को फिर से खोना नहीं चाहता। वो लिली को कुछ ज्यादा ही जोर से खींच लेता है जिसकी वजह से उसका घुटना फ्रैक्चर हो जाता है। अब
इसके बाद इवान वहाँ पर उसकी काफी ज्यादा केयर करता है और उसे ठीक कर देता है। अब लिली भी सोचने लगती है, आखिर मैं यहाँ से भाग क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं अपने सौतेले बाप को छोड़कर आई हूँ जो कि मुझे काफी टॉर्चर करता था, लेकिन ये बूढ़ा आदमी मेरी कितनी केयर करता है। अब इसलिए लिली भी अपना दिमाग बदल लेती है और वो अपने पिता के साथ खुश रहने लगती है और उनकी बताई हर चीज को करने लगती है। अब वो उनकी हर बात मानती है और जितनी एक्सरसाइज वो करने के लिए कहता है वो उतनी एक्सरसाइज करती है, क्योंकि अब उसका कंपटीशन करीब था। और अब ये दोनों बाप बेटी एक साथ काफी खुशी के साथ रहते हैं। लिली का भी यहाँ पर मन लगने लगा था। फिर इवान की बेटी कैथरीन का बर्थडे आने वाला था, लेकिन लिली को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसे ये बात इवान के सरप्राइज से पता चलती है और बर्थडे के गिफ्ट में इवान अपनी बेटी को एक फोन गिफ्ट करता है। जब यहाँ पर लिली को फोन मिलता है तो वो सबसे पहले नील का नंबर अपने फोन में सेव करती है। अब दूसरी तरफ इवान को दिखाया जाता है जो कि जब मार्केट से घर वापस आता है तो घर के बाहर उसे उसकी रियल बेटी यानी कि कैथरीन मिलती है। और जब इवान उसको देखता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है, जिससे कैथरीन को बुरा लगता है और वो रोने लगती है कि मैं इतने दिनों के बाद घर आई हूँ और घर पर मेरे फादर को कोई भी खुशी नहीं है। उन्होंने मुझे सीधा घर पर चलने को कहा, मुझे ये तक नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अब क्योंकि इवान को कैथरीन और लिली के बीच में कोई फर्क नहीं लगता, क्योंकि उसका दिमाग फर्क समझने ही नहीं दे रहा था, इसलिए वो उसे एक जैसी लग रही थी और इसलिए वो कैथरीन को भी लिली समझकर उसके साथ एकदम नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। लेकिन कैथरीन को अपने फादर को देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब वो घर में आ गई थी। वो जब अपने कमरे में जाती है तब उसे उसकी डायरी मिलती है जो कि उसे टेबल पर रखी हुई मिलती है, और वो देखती है उसने जहाँ पर लिखना बंद किया था उसके आगे भी उसकी डायरी में किसी ने लिखा है। इतने में लिली वहाँ पर आ जाती है और वो कैथरीन से कहती है, तुम आ गई, मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आ जाओगी और आज तुम्हारा बर्थडे है। और वो लिली को नहीं पहचानती, इसलिए उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर लिली कहती है, अब मैं यहाँ रहती हूँ, मैं तुम्हारे रूम में रहती हूँ, तुम्हारे ही बेड पर सोती हूँ और अब मैं तुम्हारे फादर की बेटी हूँ। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि तुम्हारी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था, तब तुम्हारे फादर को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी और तब तुम उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और लिली एक चाकू उठाती है और उसके पेट में मार देती है और कैथरीन मर जाती है। बाहर इवान अपनी बेटी को आवाज लगाता है, वो उसे पूछता है कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। लिली अपने फादर से कहती है, अंदर सब कुछ ठीक है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।